हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले धनी सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए 40 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 2.5% के करीबन की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए देखने को मिलेंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह के अंदर 13.5% की तेजी देखने को मिली है। वहीं 1 महीने में 16%, 3 महीने में 36% और 6 महीने के अंदर 47% के करीबन की रैली देखने को मिली है। आप इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर देखें तो स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी बनती हुई देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इसे स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया। 30 रुपीज के इस स्टॉक में एक लो लगा और यहीं से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, जहां पर स्टॉक में एक डबल टॉप बॉटम बनता हुआ नजर आया 48 रुपीज। 48 रुपीज पर इसे स्टॉक में एक रुकावट रेंज है। इसे स्टॉक में जैसे ही स्टॉक 48 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है, इसे स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 43 रुपीज। 43 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 43 रुपीज के एक बड़ी स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 16 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।